प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के दौरे पर। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी पहली रैली कर रहे हैं। बीजेपी में आते ही मिथुन की हुंकार। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी में शामिल हुए। पीएम मोदी बोले ममता बनर्जी ने बंगाल को धोखा दिया है। मोदी बोले ममता देवी ने सचमुच बंगाल को धोखा दिया है। कांग्रेस के पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगपति से मिले झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने पर झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को पक्का मकान मिलेगा, मोदी बोले। कोविड-19 को लेकर सीएम आवास पर आज समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी। पाकिस्तान के मुल्तान में हिंदू परिवार के 5 सदस्यों की हत्या। जम्मू कश्मीर के डोंडा जिले में भूकंप में झटके, 2.9 मापी गई तीव्रता। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषित किए 40 उम्मीदवार। बंगाल बीजेपी की रैली में बोले मिथुन चक्रवर्ती, गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। कोलकाता अपोलो अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी कार्यकर्ता की मां से मिले। 9 अप्रैल से चेन्नई में एक आगाज, 30 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा फाइनल। क्रिकेट परेड ग्राउंड के मंच पर पहुंचे पीएम मोदी, लगाए जय श्री राम के नारे। नोएडा सामने रंग को लेकर अस्ताद में था छात्र, 5वीं मंजिल से कूद कर दे दी अपनी जान। दिल्ली पहुंचे शाहरुख खान, माता पिता की कब्र पर जाकर दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी किसानों के समर्थन में पहुंचेंगे, मेरा संबोधित करेंगे महापंचायत। पीएम मोदी का निशाना बंगाल में कमल खिलने के पीछे टीएमसी सरकार का कीचड़ ही कारण। बंगाल में बीजेपी की सरकार आने पर झोपड़े में रहने वाले गरीबों को पक्का मकान मिलेगा, पीएम मोदी बोले। नशे में था बेटा, पिता में बहस हुई, मार दी गोली, पुलिस पर दी फायरिंग। आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत 9 अप्रैल को चेन्नई में होगी, जबकि फाइनल मुकाबला 30 मई को होगा। मैदान में मोदी सड़क पर, ममता बंगाल में तेज हुआ चुनावी घमासान। रेप पीड़िता ने सुनाई आपीति, घर में शौचालय हो तो दरिंदे ऐसी हरकत ना करें। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र बोले कोरोना कंट्रोल में घबराने की अब जरूरत नहीं है। प्रियंका चोपड़ा ने न्यूयॉर्क में खोला भारतीय रेस्तरां। महेंद्र सिंह धोनी को मिली टीम इंडिया। आप देख रहे हैं दूर देहात न्यूज। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे चैनल को तो फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।